एक बार परमेश्वर के सन्निधि में एक साथ मिल के आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर खोला, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम लोग कलीसिया के बारे में, कलीसिया के सदस्यों के नामों के बारे में, नहीं तो कलीसिया के सदस्य का नाम बाइबल में जो दिया गया उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो उसके वाले पहली वाली नाम हम लोग देख रहे थे जो वो है विश्वासी, दूसरी वाली नाम है शिष्य डिसाइपल, फर्स्ट वन इज बिलीवर, दूसरी वाली शिष्य चेले। तो उसी विषय का कुछ और अंश भी है, वो भी आज शिष्य शिष्य का विषय आज खत्म करने के लिए मैं चाहता हूँ। तो हम पिछले दिनों में शिष्य के बारे में देख रहे थे, अनेक प्रकार के शिष्यों के बारे में हमने देखा, जैसे कि यूहन्ना के शिष्य, फरीसियों के शिष्य, मूसा के शिष्य, हेरोदियों के शिष्य, यीशु मसीह के शिष्य। उस टॉपिक में आकर हम लोग बंद किए, क्या देना शिष्यों के बारे में। हाँ, तो फिर हम लोग लास्ट हम यहाँ पे बंद किए कि अगर कोई यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहता है वो अपने आप को त्यागना पड़ेगा, अपना जो कुछ भी प्रायोरिटीज़ है, अपने जीवन की जो भी प्रामुख्य चीज़ है, जैसे कि पापा मम्मी, बेटे भाई बहन, स्त्री, संपत्ति, जो कुछ भी है प्रायोरिटीज़, उन सब कुछ को यीशु मसीह के लिए क्या करना, सैक्रिफाइस करना चाहिए। सैक्रिफाइस करके यीशु के पीछे होने से वो यीशु मसीह का चेला है बोलकर यीशु बता रहे हैं। और लास्ट में यीशु ने कहा अपने सूली को क्या करना, अपने कंधे पर लेकर क्या करना, मेरी अनुगमन करना। तो शिष्य बनने का फर्ज क्या है, यीशु मसीह की अनुगमन करना। अनुगमन करते करते ही हमारे कंधे के ऊपर एक बोझ है, एक भार है, उस भोर को, उस भा भो उस बर्डन को, नहीं तो उसको बोझ को परमेश्वर शांति के तरीके से लेने की सहायता देखती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि एक लकड़ी का सूली अपने कंधे के ऊपर लेना, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो हाथ में लेने वाली जो छोटी जो जपमाला की जो सूली है वो हाथ में लेने वाला अर्थ नहीं है। उसका अर्थ इतना ही है कि हमें बहुत सारे तकलीफें, समस्याएं और अनेक प्रकार के बाधाएं परमेश्वर यीशु मसीह के वास्ते लेना जरूरी है, वो है सूली का अर्थ। तो ऐसा यीशु मसीह के अच्छे से चेले बनने के अनुभव हम देख सके। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 66, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। देखे ना यहाँ पे लिखा गया, आप परिस्थिति में देख सकते हैं यीशु मसीह के चेले हैं मगर ये क्या कर लिए, परिस्थितियाँ देखते वक्त क्या करना शुरू किए, टर्न बैक करना शुरू किए, अबाउट टर्न। ऐसे चेले भी हैं, बहुत विश्वास के साथ भरोसे के साथ यीशु मसीह के पीछा घूम पीछे चेले बनकर आए, बहुत कुछ सीखे, मगर परिस्थितियाँ अनुकूल ना होने पर, नहीं तो परिस्थितियां सब कुछ अच्छी सटीक ना होने पर वो लोग क्या किए, यीशु मसीह को छोड़ने की तैयार के। उसकी 60वां वचन पढ़ने से वो क्लियर आएगा, 66 वर्स 60। देखा ना क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा टीचिंग हार्ड है, योर टीचिंग्स आर बीन हार्ड, नहीं तो तुम्हारी जो शिक्षा है वो बहुत कठिन है। हेलो, एक चीज़ यहाँ पे हम मालूम कर सकते हैं, तो हम अगर यीशु मसीह के चेले हैं कठिनाइयों को भी झेलने की शक्ति सामर्थ्य परमेश्वर हमें दे सकते हैं, मगर ये चेलों में क्या क्या है कि कठिनाई बड़ी दिखती है मगर परमेश्वर बहुत छोटी। इसीलिए यीशु मसीह उनसे कहते हैं अगर कठिनाई तेरे को बहुत बड़ी दिखती है, अगर परमेश्वर तेरे को बहुत छोटी दे, यू डू वन थिंग, लीव एंड गेट लॉस्ट, निकलो भागो। यीशु मसीह खुल्ला बोल देते हैं। इसलिए हम जो कोई यीशु मसीह का चेला है, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर आधारित है, उसको यीशु मसीह ही बड़ा दिखना चाहिए। समस्याएं टीचिंग बड़े नहीं दिखनी चाहिए, वो हार्ड नहीं है, वो हार्ड होने पर भी चेले हम किसके हैं, यीशु मसीह के हैं। तो यीशु का चेले होने पर यीशु हमें शक्ति सामर्थ्य दे सकते हैं कि इन टीचिंग को सीख कर हमें क्या करने से, शांति के तौर से आगे जाने की। हेलो, तो परिस्थिति देखने पर ये चेले क्या करना शुरू किए, वॉकआउट करना शुरू किए, नहीं तो छोड़ जाने की कोशिश किए।
उसके 61 में यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, देखो 61 हाँ, उसके बाद हाँ, उसके बाद हाँ देखा ना, वो आत्मा है, वो तुम्हें क्या देगा, जीवन देगा। अरे इसकी इनकी वचने बहुत कठिन है बोलकर लगता है, मगर एक चीज है, एक चीज है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य हमें जीवन दे सकती है, क्योंकि हमारा आश्रय यीशु मसीह के ऊपर है। हम यीशु मसीह के चेले हैं तो नियुक्त रीति से परमेश्वर का फर्ज बनता है हमें क्या कर, आसान तरीके से लेने। इसीलिए यहां लिखा गया अनुभव में कुछ चेले यीशु मसीह को क्या कर दे, रिजेक्ट करके निकल गए, यीशु के साथ ही घूमे, मगर परिस्थितियों के बदलाव होने पर, परिस्थितियां अनुकूल ना होने पर क्या कर दिए, यीशु को छोड़ दिए। उस कैटेगरी में आने वाला एक व्यक्ति है, कौन, इस्करियोती यूदा। वो यीशु के पीछे, यीशु के पीछे अनुगमन क्यों किया जानते हो ना, वो पदवी का हकदार था, वो पदवी पाने का मकसद था उसको, और उसके अंदर क्या विचार था, प्रेज द लॉर्ड, और उसके अंदर क्या विचार था, कुछ कमाना है। हेलो, यीशु के साथ आए कमा सकते हो कि नहीं बोल नहीं सकता, मगर बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर सीखना चाहते हो तो कमाई नहीं कर सकते, अगर कमाई करने चाहते हो तो सीख नहीं सकते। इसीलिए यूहन इस्करियोती यूदा यीशु मसीह को क्या कर दिया, अवसर ढूंढ रहा था कैसे भी यीशु को क्या करे, बेच डाले। क्यों, उसकी जरूरत क्या है, उसका जो मकसद है उसके लिए यीशु मसीह के अनुगमन किया, पैसा मिल गया, उसके बाद यीशु मसीह को क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, उसके टीचिंग्स को छोड़ दिया, उनके मकसदों को छोड़ दिया, और जीवन ना पाकर उसने क्या किया, मृत्यु की परिस्थिति झेल ली, मरने के लिए गया, जो रस्सी में उसने अपने आप को टांगा उस रस्सी ने भी उसे क्या नहीं किया, सहाय नहीं किया। हेलो, एक बार यीशु मसीह के चेले बनकर यीशु मसीह को त्याग करके चले गए ना, तो उसका हिस्सा बहुत घिनौनी तरीके से होगी। इसलिए यहां बताया गया अनुभव, यीशु मसीह के चेले हैं तो आखिरी दम तक उसे चेले में रुके रहने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे भी चेले हैं कि अवसर देखने पर ढूंढ कर भाग जाने वाले चेले हैं। इसलिए अगर ऐसे परिस्थितियां हमारे जीवन में आते हैं, मैं एक चीज आज आत्मा के शक्ति के द्वारा बोलता हूं, ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर की वचन कठिन होने पर भी परमेश्वर की आश्रय हमें शक्ति दे सकती है, हमें अच्छे चेले बनने की सहायता दिलवा सकती है। इसीलिए यीशु अपने चेलों को भी बोला, मगर अपने चेले यीशु को क्या करने के लिए सोचे नहीं, छोड़ने के लिए सोचे नहीं। हेलो, मगर इधर बताया गया अनुभव में परमेश्वर गुरुत्व रीति से किसको बरता रहे थे, इस्करियोती यूदा को पॉइंट आउट कर रहे थे, वो भी कुछ दिनों के बाद क्या करेगा, वॉकआउट कर लेगा, पीछे हो लेगा। ऐसा है तो यीशु मसीह के क्रूसार्पण के समय में भी यीशु मसीह के चेले क्या किए, भाग गए, वॉकआउट कर गए, मगर वो इतना दूर वॉकआउट नहीं करके नहीं गए कि यीशु मसीह के करीब ना आ सके, उतना दूर नहीं गए, एकदम थोड़ा तो करीब यीशु मसीह के थे, यूहन्ना बहुत करीब था, पतरस उससे भी थोड़ा दूर था, और बाकी चेले भी उससे थोड़े दूर थे, उससे अधिक दूर था कौन, इस्करियोती यूदा। वो इतना दूर था कि परमेश्वर भी उसको सहाय नहीं कर पाए, देख सकते हो दूरती दूर दूर दूरता कितना है, डिस्टेंस कितना है, जो मन में स्थिर कर दिया परमेश्वर से अलग होने के लिए, वो परमेश्वर से दूर 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 हो जाएगा, और वो कभी परमेश्वर के निकट वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए आज मैं बोल रहा हूं, वैसे एक परिस्थिति हमारे जीवन में ना आए, वैसे एक चेला बनने की कोशिश ही ना करो, परमेश्वर के ऊपर आधारित हो और अच्छे चेले बन सकते हैं। हालेलुया।
नेक्स्ट वाली परिस्थिति को देख सकते हैं, मत्ती लिखित सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 42, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 42। हेलो, तुम चेले हो तो तुम्हारा प्रतिफल तुमको नियुक्ति रीति से मिलेगा। क्या प्रतिफल मिलने के लिए क्या करना है? बस यीशु के नाम में जो कोई भी आता है, जो कोई भी चेला आता है, उसको क्या करो, बस कुछ तो दे दो। यीशु सबसे छोटा एग्जांपल दिए, क्या एक ग्लास ठंडा पानी, सबसे लीस्ट वाला चीज बोले, रिवॉर्ड के लिए सबसे लीस्ट वाला पॉइंट, एक ग्लास ठंडा पानी दो, तुम नियुक्त रीति से क्या पाओगे? रिवॉर्ड पाओगे, यू विल रिसीव योर रिवॉर्ड। और उससे भी अधिक चाहते हो, उसके भी अधिक कर सकते हो। हेलो, जो कोई भी यीशु के नाम पे, यीशु के चेलों को कुछ भी करे, वो अपना रिवॉर्ड नहीं खोएगा। यीशु मसीह यहां पे क्या बता रहे, बताने की कोशिश यही कर रहे हैं कि जो इस धरती में चेलों के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी त्याग तुम कर रहे हो, उसका हिस्सा स्वर्गीय तट पर परमेश्वर लिख के रख रहे हैं। वो रिवॉर्ड तुम्हारे नाम पे डिपॉजिट होकर रुका है, वो तुम्हारे लिए ही रहेगा। इसलिए हम चेले हैं, दूसरों चेलों को भी हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ सहायता करना चाहिए। चेलेपन में क्या नहीं है, अधिकारी का हिस्सा नहीं है, ओनरशिप नहीं है, ऑथरशिप नहीं है, रूलशिप नहीं है, सबको एक समान। तो इधर बताने वाले अनुभव एक ही चीज है, चेले हैं तो प्रेम हमदर्दी दिखाओ, पीने वाली चीजों में, खाने वाली चीजों में, देने वाली चीजों में हमदर्दी प्रेम दया दिखाओ, ताकि वो चेले का गुण तेरे अंदर है और उस गुण का प्रतिफल तेरे नाम पे क्या होगा, स्वर्गीय तट पर लिख कर रख दिया जाएगा। तो यीशु मसीह चेलों के बीच में क्या सिखा रहे, शेयरिंग मेंटालिटी। क्या करना, शेयर, एक ही रीति से दोनों को क्या करना, भाग करना। हेलो, आज के कलीसिया, आज के शिष्य वो भूल चुके हैं पहली कलीसिया कैसी थी, सब कुछ शेयर करते थे, क्या करते थे, सब अपने अपने जमीन घर बेचकर एक समान एक मन, क्या चेले थे, जिनको कुछ है ही नहीं था, जिनको था वो लोग, जिनको नहीं था उनको क्या करते थे, अवसर खोल के देते थे, तो कितना रिवॉर्ड मिलता होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह के जो पहले कलीसिया थी वो कलीसिया के लोग, हाँ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के भरोसे के लिए वो लोग ऐसा किए बोलेंगे, ऐसे भी लोग पढ़ाते हैं, हाँ हो सकता है वैसे भी हो, मगर वो लोग एक 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 सिस्टम दिखाए ना कि एकता मिलनता, एक मन एक हृदय एक आराधना कैसी होती है, उसका एक सारांश उन्होंने दिखाया ना, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, शेयरिंग मेंटालिटी। आज के चेले लोग ऐसे हो गए कि कलीसिया के लोगों को कुछ भी सहायता नहीं करेंगे, बाकी जो गांव के दुनिया के जो भी लोग हैं सबको सब कुछ करेंगे। पत्रस, कुरनेली नामक एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है प्रेरितों के किताब में, वो बहुत दान धर्म करता था, बहुत कुछ अच्छा अच्छा करता था, बहुत लोगों को सहायता करता था, मगर उधारी नहीं पाया था। परमेश्वर के दूता उसके पास आकर उसको क्या किए, परमेश्वर के दास के एड्रेस बताए, क्यों क्यों उसको बताए, ताकि वो उधारी मुक्ति पाने के बाद वो क्या कर सके, कलीसिया में वो शेयर कर सके। अरे बाहर देना अलग बात है, बाहर देने से क्या तेरा नाम बढ़ेगा, तेरा क्रेडिट बढ़ेगा, तेरा फोटो आएगा न्यूज़पेपर में,
मगर कलीसिया के अंदर देके देख, तेरा जो रिवार्ड है वो स्वर्गीय तल पर लिखा जाएगा, वो है चेलों की गुण। अब मत्ती लिखित सुसमाचार 10वीं अध्याय पहली वचन एक पर पढ़ते हैं, 10:1, Matthew 10:1। हाँ हेलो, चेलों के ऊपर क्या है? अधिकार है, पावर है, दे हैव द पावर। क्या कर सकते हैं? दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, रोगों को, फिर सिकनेसेस को, डिसीजेस को क्या कर सकते हैं? चंगाई करने वाला एक पावर, वो उनका खुद का पावर नहीं है, वो परमेश्वर का शक्ति सामर्थ उनके ऊपर क्या करेगा? उनसे काम करना शुरू करेगा। ऐसा एक अधिकार परमेश्वर क्या कि अपने चेलों को दिए, चेलों को देकर बोले कि जाओ हर जगहों में जाकर क्या करो, रोगियों को दिखाई दे पर देने पर हस्तार्पण करो, उनके रोग को दूर करो, चंगा करो, उनके अंदर की दुष्टात्माओं को दूर भगाओ और उनके ऊपर अधिकार करो। यह है चेला का गुण। दुष्टात्माएं हमारे ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए, हमें दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार करना चाहिए। रोग हमारे ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए, हमें रोगों के ऊपर अधिकार करना चाहिए। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर हमको दिए हैं, उसे सामर्थ्य में परमेश्वर हमको चेला बना के रखे हैं। क्यों? ताकि दुनिया देख सके कि इनके अंदर जो है वो एक श्रेष्ठ अधिकार है, वो एक श्रेष्ठ शक्ति सामर्थ्य है, वो लोग पहचाने और परमेश्वर के कलीसिया में योगदान पाकर चेले बन सके। हम इसको क्या कर दिए? बिजनेस में तड़ बना दिए। हेलो, चंगे नहीं हुए तो भेज देते हैं, अगर दुष्टा बाहर निकला नहीं, हाँ तुम्हारा विश्वास कम हो गया इसलिए निकला नहीं, भगा देते हैं। ऐसा नहीं, अरे जब तक उनके ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं करोगे तब तक बैठो, क्यों नहीं बैठ पा रहे हो? परमेश्वर वो अधिकार दिए हैं ना दुष्टात्माओं के ऊपर, रोगों के ऊपर और व्याधियों के ऊपर। चेलों को परमेश्वर अधिकार दिए, तेरे अधिकार के द्वारा ही वो क्या होगा? दूर होगा। क्यों हम वेट नहीं कर पा रहे? चेले जो है परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव्स है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जैसा परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। हम चेले हैं, हमसे परमेश्वर का अधिकार दुनिया देखना चाहिए, लोग देखना चाहिए, कलीसिया में वो अधिकार परमेश्वर दिए। इसलिए मेरा सब्जेक्ट कलीसिया के बारे में, कलीसिया में जो विश्वास है उनका एक नाम है विश्वासी, दूसरा नाम है चेले। चेलों को परमेश्वर कलीसिया में योगदान क्यों दिए, नामीकरण क्यों दिए? ताकि उनके अंदर से अधिकार बाहर निकले। हालेलुया, पावर बाहर निकले, पावर अथॉरिटी बाहर निकले। अब मत्ती लिखित सुसमाचार 11वां अध्याय पहली वचन पढ़ के देखते हैं। क्यों परमेश्वर अथॉरिटी और पावर दिए? क्यों हमें रिप्रेजेंटेटिव बनाए? ताकि लोगों का रोग, लोगों के अंदर की दुष्टताएं, दुष्टात्माएं निकल जाने के पर उनको क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए, प्रीच एंड टीच। क्या करना चाहिए? प्रीच एंड टीच। जो चंगे हुए, जो दुष्टात्मा से रिहाई पा लिए, उनको क्या चाहिए? टीचिंग और प्रीचिंग चाहिए। टीच, प्रीच, टीच मतलब सिखाना, सिखाना चाहिए, वो लोग सीखना चाहिए, वो लोग को अच्छे चेले के तरीके से बनवाना चाहिए। वो है यीशु मसीह का उद्देश्य। आज के जमाने में चेले बहुत हैं, मगर चेले क्या नहीं कर रहे? टीच प्रीच नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर अपने चेलों को बोला, जाओ दुनिया के छोर तक जाकर क्या करो? सुसमाचार को बताओ, लोगों को टीच करो, लोगों के निकट जाकर प्रीच करो। और एक बार पहली वचन बताएं 11:1,
उपदेश और प्रचार करने के लिए वहां से चला गया। देखो इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, इसके इसमें कोई श्रेष्ठता की जरूरत नहीं है। जो तुम जानते हो, जो तुम सीखे हो, उसी चीजों को तुमको क्या करना चाहिए, लोगों को सिखानी चाहिए। ये चेलों की काम है, पासवानों की नहीं। पासवान भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मगर जो कलीसिया के मेंबर्स है उनको करना है। आज के सब कलीसिया पासवानों के ऊपर डिपेंडेंट है। पास्टर जी आएंगे, शैतान को निकालेंगे, पास्टर जी आएंगे प्रचार करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे? हेलो, परमेश्वर हमें अधिकार दिए हैं, परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिए हैं, परमेश्वर हमें बहुत सारी चीजें सिखाए हैं। अरे अधिकार करने के बाद, सामर्थ्य देने के बाद परमेश्वर हमें क्या किए? जो लोगों उद्धारी पाए उनको सिखाओ। हालेलुया, वो परमेश्वर की चेलों के लिए इंस्ट्रक्शन है। हालेलुया। अब प्रेरितों का किताब 6:1 Acts 6:1 हेलो, चेलों की संख्या क्या करना चाहिए? बढ़नी चाहिए। कब बढ़ेगा? हाँ, जब अधिकार करेंगे, दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार करेंगे, रोगों को चंगा करेंगे, जब उनको टीच प्रीच करके सिखाएंगे, उपदेश देंगे, तब क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, इंक्रीज होगा। हेलो, चेले क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज। अब उसकी 7वीं वचन पढ़ो, 6:7 गई उसके बाद। देखो ना, परमेश्वर का वचन क्या हो गया, पूरी तरीके से व्यापारित होना शुरू किया, बहुत सारे लोग आने शुरू हुए, मल्टीप्लिकेशन होना शुरू किया। 2+2 बड़ा है, 2×2 बड़ा है, एडिशन बड़ा है, मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, मल्टीप्लीकेशन बढ़ा है, डबलिंग होगा, डबलिंग। उदाहरण से 10+10 20 आता है, मगर मल्टीप्लाई करो 10×10 100 100। अरे चेले, चेले क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए। एक दो को तैयार करेगा, दो चार को तैयार करेगा, 4 8 को तैयार करेगा, 8 16 को तैयार करेगा, 16 32 को तैयार करेगा। देखो 5 साल में कितनी बढ़ोतरी हो जा सकती है। इसलिए आज परमेश्वर कलीसिया को बताने वाली, एक कलीसिया के सदस्यों का एक नाम चेला है, चेले मल्टीप्लाई करना चाहिए, बढ़नी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। चेलों को दिया गया अधिकार को उपयोग करना चाहिए, चेलों को क्या करना चाहिए, दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार दिखाना चाहिए, रोगों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर अधिकार दिखा के, लोगों को टीच प्रीच करके, लोगों को सिखा के, उपदेश देके, उनको क्या करना चाहिए, वचन में बढ़ोतरी दिलवाना चाहिए, ताकि वो बढ़ पाए। हालेलुया, वो है बढ़ोतरी चाहते हैं कलीसिया की, कलीसिया की सदस्य की, चेलों की। अब प्रेरितों का किताब 9वीं अध्याय उसकी 36 में देखेंगे, वहां पे एक चेले के बारे में बताया गया है। रति दी, हाँ उसके बाद, हाँ उन दिनों उसकी मौत हो गई। उसके बाद हाँ हाँ
फिर देखिए ना, वहां पे लिखा गया एक चेले के बारे में बताएंगे, उसका काम क्या था। वो जो कुछ भी काम करती थी सब कुछ लोगों को सहायक मंद रीति से करती थी, और उसका क्या हो गया, मौत हो गया। मौत होने पर चेले क्या किए, वेट किए उनके पासर जी के लिए, और उसको क्या किए, पुनर्जीवित करवा के लेके आए। हेलो, मरे हुए लोगों को जी उठवाना, यह है चेलों की काम। हालेलुया। इसीलिए उसकी 11वां अध्याय का 26 में अगर हम लोग पढ़ते हैं, इन चेलों को विजातीय लोग ने क्या नामीकरण दिया जानते हो, 11:26 प्रेरितों का किताब 11:26। हाँ, हाँ, मसीह क्रिश्चियन कहलाए। किसने उनको ये नामीकरण दिया, विजातियों ने इनके अंदर यीशु मसीह को देखकर नामीकरण क्या दिया, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब क्या है, क्रिस्ट यीशु उनके अंदर, मसीह उनके अंदर। मगर तो उसका अर्थ क्या है, उनके अंदर मसीह को दिखाई, उनके अंदर लोगों को मसीहा दिखाई दे रहे थे, यीशु मसीह दिखाई दे रहे थे। चेले थे किनके, यीशु के, मगर रूप कल्पना के हिसाब से उनका नाम कुछ और था। नाम कुछ और होने से भी अंदर का जो व्यक्तित्व है, कौन, यीशु मसीह, वो दिखाई देते थे। इसीलिए उनको क्या नामीकरण किया गया, मसीह क्रिश्चियन। नहीं तो यीशु मसीह के अनुगमन करने वाले, नहीं तो यीशु मसीह के पीछे जाने वाले, नहीं तो यीशु मसीह को दिखाने वाले, नहीं तो यीशु मसीह की, यीशु मसीह का पहचान निशाना दिखाने वाले, ऐसी चेले थे, ऐसे कलीसिया के मेंबर्स थे। हालेलुया। अब 19वां अध्याय उसका पहली वचन से पढ़ते हैं तो देख सकते हैं, 19वां अध्याय प्रेरितों का किताब 19वां अध्याय। देखा ना, यहाँ पे कलीसिया एक 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 चेलो, कुन चेलो, कितने चेलों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि पवित्र आत्मा में पूर्ण नहीं थे, जो भी पवित्र आत्मा के बारे में जानते ही नहीं थे। उधर पौलुस पहुँचते ही तुरंत उनको क्या किया, परमेश्वर के वचन पे स्थिर करके उनको पवित्र आत्मा के अभिषेक से क्या कर दिया, परमेश्वर के निकट दुआ किया, ताकि ये लोग को परमेश्वर क्या करे, पवित्र आत्मा में भरपूरी करे। हेलो, चेलों को पवित्र आत्मा की जरूरत है, पवित्र आत्मा की भरपूरी जरूरत है। पवित्र आत्मा की भरपूरी ही क्या कर सकते, क्या कर सकेगा, एक चेला को अपने जीवन को आगे चलाने की सहायता सामर्थ्य दिलवा सकता है। एक चेले को चेले बनाने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस इन चेलों को मिलकर क्या किया, उनकी आत्मिक स्थिति को और थोड़ा उठा के रख दिया। यह है एक चेला का गुण। हालेलुया। हम यीशु मसीह के चेले हैं तो हमारा फर्ज क्या बनता, जो कोई आत्मिक तौर पर नीचे पड़े हैं उनको आत्मिक तौर पर क्या करना चाहिए, बढ़ोतरी देना है, उठाना चाहिए। वो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, वो चेले का तत्व होना चाहिए। इसीलिए ना यीशु मसीह कहे मत्ती लिखित सुसमाचार 28वां अध्याय 19वां वचन में क्या कहे, दुनिया की उस छोर तक जाओ, सबको तुम क्या करो, चेला बनाओ। किनको, एक बार पढ़ते हैं, आखिरी अध्याय 28वां अध्याय 19वां वचन। किनको, किनको चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को क्या करो, चुन चुन कर चेला बनाओ। विश्वासी नहीं, चेला, चेला डिसाइपल्स, डिसाइपल्स बनो, चेले बनाओ, अधिकार सामर्थ्य को दिखाओ, उनको बढ़ोतरी दिलवाओ,
सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो आज हमारे जीवन के भविष्य को परमेश्वर पूछ रहे हैं, कितने जाति के लोगों को तूने चेला बनाया, कितने हैं तेरे क्रेडिट में कि बोलने के लिए कि वो मेरे चेले हैं। हेलो, आज पवित्र आत्मा हमें पूछ रही है, कितने जातियों के निकट गया तू, कितने जातियों को तूने अपने चेला बनाया। प्रेज यू लॉर्ड। एक जाति को नहीं, हर जाति को क्या करो, चेला बनाओ। जब तक हम, अरे चेला का फर्ज क्या है, जाना, गो, मूव ऑन। इसलिए बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, क्या तुम जानते नहीं हो? कैसा मंदिर, किसके बारे में बताया गया है? मनुष्य के बारे में बताया गया है। मनुष्य जो परमेश्वर के ऊपर आधारित है, जो परमेश्वर को विश्वास कर रहा है, वो क्या है? मंदिर है। कैसा मंदिर? चलता फिरता मंदिर, दौड़ता खाता मंदिर, बैठता सोता मंदिर, प्रचार कर अधिकार वश करने वाला मंदिर। हम हैं परमेश्वर की मंदिर। हमें क्या करनी चाहिए? विश्राम नहीं करना चाहिए। गो ऑन, मूव ऑन, आगे आगे बढ़ते चलो, चेलों को इंक्रीज करो, बनाओ, हर जाति के लोगों को चेला बनाओ। इसीलिए यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय में सबको अपने चेला बनाया। निकोदिमुस को अपना चेला बनाया, अरमथिया की योसेफ को चेला बनाया। निकोदेमस बस एक रात में आकर सवाल किया कि यीशु मसीह को मैं उधारी पाने के लिए क्या करूं, फिर से जन्म होने के लिए मैं क्या करूं, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। वो बहुत बड़े अधिकारियां थे, मगर उसने क्या किया, चेले बनने की हिस्सा किया। चेले बनने के बाद क्या किया, जब जरूरत पड़ी यीशु मसीह के क्रूसार्पण के समय में भी कोई यीशु मसीह का चेला बनकर खड़े होने के लिए तैयार नहीं था, तब दो लोग खड़े हुए, कौन, अरमतिया की योसेफ और निकोदिमुस, ये दोनों खड़े हुए चेले के समान। और अरमतिया की योसेफ ने क्या किया, यीशु मसीह की शरीर को मांगने के लिए पिलातोस के निकट गया और बोला मुझे यीशु मसीह की शरीर चाहिए। अरे जीते वक्त मैंने उसके वचनों को सुना, मैंने उसके चेला बना, मुझे उसका क्या चाहिए, मरा हुआ शरीर। कोई नहीं, अरे जो कोई 3 साल 6 महीने तक यीशु मसीह के साथ घूमे, यूहन्ना था, पतरस था, मत्तयी थी, बाकी सब चले थे, वो कोई नहीं आए। कहां चले गए वो लोग, उन्होंने कोई नहीं आया। मगर अरमतिया की योसेफ ने क्या किया, दौड़ा और उसने अपने लिए कब्र खरीद के रखा था, उस कब्र को किसके हाथ में दे दिया, यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। अरे चेले हैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार होंगे, चेले हैं तो जो वचन हमने सुना है उस वचन के लिए खड़े होने के लिए तैयार होंगे, चेले हैं तो क्या करेंगे, सब कुछ में अधिकार वश करने की कोशिश करेंगे। तो ये अरमतिया की योसेफ क्या कर रहा था, अधिकार कर रहा था, परमेश्वर की वचन को अधिकार कर रहा था। सब बाकी चेले सोचे यीशु मसीह का शरीर मिलना बहुत मुश्किल है, मगर अरमतिया का योसेफ ने क्या किया, जितना तकलीफ होने पर भी यीशु मसीह के शरीर को दफनाने के लिए उसका प्रयास। निकोदेमस ने क्या किया, उस जमाने में किसी की मौत होती है तो कौन आना चाहिए, याजक लोग आना चाहिए। तो यीशु मसीह की सेवकाई करने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए कौन आया, निकोदिमस आया। निकोदिमस क्या लेके आया, निकोदिमस ने क्या किया, ऐसे बहुत सारे चीजों लेके, सुगंधी द्रव्यों को लेकर आके यीशु मसीह के शरीर के ऊपर क्या कर दिया, लगाकर जैसा व्यवस्था बोली उस व्यवस्था की पूर्णता करने के लिए परमेश्वर क्या किए, अच्छे दो चेलों को खड़ा करके रखा। ऐसे चेले हमें बनना है। हेलो,
पास्टर जी आने तक वेट नहीं करना चाहिए। किसी की मौत हुई, पास्टर जी आएंगे वेट? नो, हमें वो दायित्व सीखना चाहिए। इसीलिए तो यीशु मसीह हमें चेले बुला रहे हैं, नहीं तो कुछ और बुलाते ना। कलीसिया के मेंबर्स का नाम में चेला कहा गया, कारण क्यों? हालेलुया। ये नया नियम के पहचान में चेलों के बारे में बताया गया। नया नियम के पहचान में चेले यीशु मसीह के होने पर, यीशु मसीह के ऊपर आश्रय होकर सब कुछ सीखना चाहिए। सब भाग में हमारा हाथ बटोना चाहिए ताकि क्या कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर हमारे अंदर है, उस चीज को हम क्या कर सके, बाहर प्रकट कर सके। हालेलुया। पुरातन नियम में भी चेलों की हिस्सा हम देख सकते हैं। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 25वां अध्याय उसकी 8वीं वचन, ये कब की बातें जानते हो? जब दाऊद की राजत्व चल रही थी, जब दाऊद राजा था, उस समय में दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर की कलीसिया बन, नहीं तो परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए, नहीं मिलाप वाले तंबू नहीं, परमेश्वर के लिए क्या बोलते हैं, टेंपल बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए सब कुछ प्रस्तुत करते वक्त इसने क्या किया जानते हो ना, लेवियों को और गाना गाने वाली झुंड को दाऊद ने क्या किया, तैयार किया। और उसमें क्या लिखा है 8वीं वचन में, एक और बार पढ़ते हैं। देखा ना, सबको एक जैसा हिस्सा दिलवाया, बड़ा नहीं छोटा नहीं, सबको अपना बारी, अपना पोर्शन, अपना ड्यूटी करने के लिए दाऊद क्या किया, अवसरें खोल के दिया। आज कलीसिया को यह भी जरूरी है, कलीसिया के सदस्यों को यही जरूरी है, चेले बनकर हर ड्यूटी को हमें क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। हेलो, अब पहली समूएल की किताब 19वां अध्याय उसकी 20वीं वचन में पढ़ते हैं तो देख सकते हैं उधर भी कितने चेलों के बारे में लिखा गया है। पहली समूएल की किताब 19वां अध्याय 20वां वचन, 20। हेलो, यहां पे किसके चेले? साउल के चेले। साउल के चेले दाऊद को पकड़ने के लिए क्या किए, लोगों को भेजे, चेलों को भेजे। ये चेलो जब वहां पहुंचे तब वहां पे क्या हो रही थी जानते हो ना, समूएल और उनके जो भविष्यवक्ताओं मिलकर क्या कर रहे, भविष्यवाणी बोल रहे, आत्मा में पूर्णता होकर भविष्यवाणी बोलने की शुरुआत किए। उस समय में ये साउल का भी चेले क्या किए, उधर आकर पहुंचे। समझ रहे हो? पहुंचते वक्त वो लोग का उन लोग का मकसद क्या था, दाऊद को पकड़ना। मगर उधर पहुंचते ही उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर गई और वो लोग क्या करना शुरू किए, भविष्यवाणी बोलना शुरू किए। किस मकसद से आए, किस काम किए, मकसद ऐसा था कि दाऊद को पकड़ना था। मगर अब ये लोग क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी बोल रहे हैं। ऐसे भी चेले हैं। क्या करने के लिए आए, अनर्थ करने के लिए आए, पवित्र आत्मा में पूर्ण होकर क्या किए, भविष्यवाणी। हेलो, ऐसे भी चेले। और सब काम होने के बाद भागना, क्यों ऐसे चेले बनना की जरूरत,
आजकल की चेले भी ऐसे ही हो गए। कलीसिया रविवार के दिन आएंगे, पूरी तरीके से पवित्र आत्मा में पूर्ण भविष्यवाणी बोलेंगे, भिन्न भाषाएं बोलेंगे, ओ परमेश्वर की आराधना, वचन, सब कुछ। बाकी छह दिन किसके पीछे, किसको पकड़ने, किसकी चेले हैं हम, परमेश्वर की या साउल की? सॉल एक ऐसा राजा है, कौन था उसके अंदर, कैसी शक्ति थी? दुष्टात्माओं की शक्ति थी। अरे दुष्टात्मा की शक्ति होने पर भी क्यों लोग उसके चेले बनने की कोशिश किए? हेलो, इसलिए आज सुबह हमें सोचना है हमारे अंदर कैसी चेला हम कैसे चेला बनने की कोशिश कर रहे, परमेश्वर की या किसी और की? जरूरत पड़ने पर खाली चेले बनते हैं या अवसर देखने पर ही चेले बनने की कोशिश करते हैं? चेला जो है हरदम चेला ही बने रहना चाहिए, वो परमेश्वर की ही चेले बनना चाहिए। वो जो भी चेला है वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए चेला बन के रहना चाहिए। पहचानो हम किसके चेले हैं, हमारा मकसद क्या है। हालेलुया। आखिरी चेलों के बारे में बताया गया कहां, जानते हो ना, दूसरी राजाओं की किताब उसकी 26 अध्याय, सेकंड किंग्स चैप्टर 6। उसके 4-5 उसका पहले वहां पढ़ो पढ़ो। हाँ फिर आप अब उसका 6:1 भी पढ़ो, देखा ना किनके चेले, प्रॉफिट कौन है, वो प्रॉफिट कौन है, एलिशा, एलिशा के चेले थे। हाँ पढ़ो, हाँ 6:1। कौन बोला, कौन बोलना चाहिए ऐसे आजकल के चेलों के दर्शन, ये लोग काय के लिए वहां पे आए हैं? ना 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 ना, एलिशा के निकट क्यों आए? ना 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 ना, एलिशा के निकट क्या, प्रॉफिट बनने के लिए क्या करना चाहिए, सीखने के लिए? चेले बनकर किसके, एलिया के चेले बनकर क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। सीखते वक्त क्या हुआ जानते हो ना, जिस जगह पे वो लोग रुकते थे वो जगह छोटी है उनको लग गया, नहीं तो उसको क्या करने की, बड़ा करने की ही सोच आई उनके अंदर। हेलो, ये है चेले की दर्शन, छोटी चीजों को बड़ा करना। वो किनकी है, किसकी है, चेलों की है क्या? नहीं, किसी और की है। अरे किसी और की चीज को बिना तनख्वाह लेके, बिना पैसा लेके, बिना किसी का बोले, बिना किसी इंफॉर्मेशन मिलते ही ये लोग ये काम करने के लिए तैयार। कैसे श्रेष्ठ चेले हैं देखो। हेलो, ये पुरानी नियम की बात है, नए नियम की नहीं। व्यवस्था के युग में नहीं तो भविष्यद्वक्ताओं के युग में भी चेले कैसे थे, दर्शन प्रुप्त, दर्शन पूर्ण चेले थे। अरे वो जमाने में चेले क्या कर रहे थे, दूसरों की मकसद के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को त्याग। ये लोग क्या किए, जंगल में गए क्या काटने के लिए, कुलाड़ी कहां से मिली? ना ना ना, ना, ना कहां से मिली कुलाड़ी, किसी से उधार लिया, क्या बोलकर उधार लिया होगा कि हमें लकड़ी चाहिए, कुलाड़ी तो हमारे हाथ में है ही नहीं, दे दीजिए कुलाड़ी, हम
सही तरीके से लाके ला वापस दे देंगे। देखो इन चेलों की दर्शन, इन चेले कितने श्रेष्ठ तरीके से उनकी सेवकाई करने की मकसद थोड़ा देखो। ऐसे चेले हमें बनना चाहिए, दूसरों की फायदा के लिए हम कितना भी पांव पकड़ेंगे, पकड़ते हैं। हेलो, चेले हैं, परमेश्वर के चेले हैं, भविष्यत वक्ताओं के चेले हैं, सीखने के लिए आए, मगर कुल्हाड़ी मिलना आसान है क्या? हैं? आजकल के जमाने में है तो एक घंटा का 30 रुपया लेंगे, उन जमाने में कैसे होगा पता नहीं, मगर कितना रिक्वेस्ट किया होगा उस कुल्हाड़ी पाने के लिए। हेलो, उस कुल्हाड़ी पाने के लिए वो चेला कितना रिक्वेस्ट किया होगा, कितना बोला होगा। हेलो, रिकमेंडेशन काय के लिए, किसी और की चीज को बनाने के लिए कुल्हाड़ी मांगने के लिए। ये अपना दिल को कैसा, हम होते तो आजकल के जो स्कूल है, प्रोफेटिक स्कूल है, बाइबल स्कूल है, बच्चों से पैसा हड़प लेते हैं, बच्चों से जबरदस्त पैसा, वो कॉलेज के हिसाब से। और ये जो बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, वो लोग को किसी को ऐसे दर्शन है क्या? मैं पैसा दे के पढ़ता हूं भाई, मुफ्त में नहीं, मैं क्यों करूं, मेरे को क्या जरूरत। हेलो, प्रेज जीसस। इसलिए मेरी बोलने का मतलब, ये चेलों का दर्शन थोड़ा देखो, ये चेले का हृदय थोड़ा देखो, ये चेले करने के लिए क्या चाहते थे। उनको पसंद, उन वो लोग जिस जगह में बैठे हैं वो जो जगह छोटा है लगा, और उनके दास को बोले कि, एलिशा को बोले कि हम ये जगह को थोड़ा बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, खाली पाठ पढ़ा ही नहीं, खाली आराधना महिमा नहीं, बीच में कुछ काम भी करेंगे, ताकि हम चेले हैं दिखाने के लिए। इसीलिए उस कहानी को यहां पे लिखा गया, नहीं तो इसको एक्सक्लूड कर देते, निकाल देते। तब क्या हुआ, कुल्हाड़ी से काटते वक्त कहां गिर गया, तो ये लोग कहां पे काट रहे थे, जंगल में, नदी के किनारे। जंगल कैसी जगह है, बहुत घिनौनी, खतरनाक, जंतुओं से, जानवरों से, कील से, और क्या, कांटों से भरी जगह। उस जगह को वो लोग क्या कर दिया, साफ सुथरा करके, अच्छे पेड़ों को काटने की दर्शन। हेलो हेलो हेलो, चेला बनना बड़ी बात नहीं है, चेले बनने से क्या बहुत काम है हमें करने के लिए। हमें भी ऐसी जंगलों के अंदर जाना है, जंगल जैसे आदमियां हैं, जंगल में फंसे हुए आदमी लोग हैं, उनको क्या करना है, कांटीली जगहों से हमें बाहर निकालना है, उनको साफ सुथरा करना है, बाहर लेके आना है, काय के लिए, ताकि उनको हम साफ सुथरा करके लेके आए। तो लकड़ी लेके आना छोटी बात है क्या, बहुत बड़ी बात है, भारी एक काम है। उस काम को भी चेले बनकर करने के लिए तैयार। तब उनका कुल्हाड़ी क्या हो गया, पानी में गिर गया। गिरते ही किसको ही बोला है, एलिशा को बोला है। एलिशा ने तुरंत क्या किया, ये छोटी सी लकड़ी वहां डाल दिए, तुरंत क्या हो गया, लोहा ऊपर आ गया। क्या पढ़ाई सिखाई, दिखाओ। लोहा गिरा तो लकड़ी डालकर निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, क्योंकि एलिशा किसका चेला है, परमेश्वर का चेला है। हालेलुया। इसलिए मैं अपने वचनों को मैं बंद करना चाहता हूँ, ये आज इस चेले के टॉपिक को मैं कंप्लीटली खत्म करना चाहता हूँ। हम परमेश्वर के चेले हैं, हमारा आश्रय परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, हम परमेश्वर के ऊपर आधारित होकर सब शिक्षाओं को सीखनी चाहिए, अधिकार करना चाहिए,
दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार, शक्ति सामर्थ्य के द्वारा रोग, रोगों को, तकलीफों को, समस्याओं को, हर प्रकार के सिकनेसेस को, डिसीसेस को अधिकार करना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए और लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हर जाति के लोगों के निकट जाना चाहिए, चेले बनाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। यह है कलीसिया की सदस्यों का दूसरा नाम। पहली नाम विश्वासी, दूसरा नाम चेला। हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, यीशु के चेले बनकर मल्टीप्लाई होंगे। हालेलुया। हमारा भी दर्शन किसी और के लिए काम करने के लिए हम भी तैयार होंगे, बिना मुनाफा के, बिना फायदे के, बिना प्रॉफिट के, बिना पैसों के। ऐसे तत्व हमारे अंदर आना चाहिए। आइए हम अपने आंखें बंद करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरी वचनों के साथ कलीसिया के विषय में हम लोग पढ़ने के लिए, कलीसिया की सदस्यों का दूसरा नाम चेले बताया गया, डिसाइपल्स बताया गया परमेश्वर। हम यीशु मसीह के अच्छे चेले बनने के लिए हमें सहायता कीजिए, दूसरों को सहायता करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों को अच्छे चेला बनने के लिए हमें भी शक्ति सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर। हमसे परमेश्वर शक्ति सामर्थ्य निर्गत होना चाहिए परमेश्वर, दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार करने के लिए, शैतानिक शक्तियों के ऊपर अधिकार करने के लिए, रोगों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, तकलीफों के ऊपर परमेश्वर अधिकार करके लोगों को चंगा करने के लिए। ऐसा एक शिष्यत्व में हमें आने के लिए सहायता दीजिए, दिगंत तक जाकर अनेकों को, अनेक जातियों को चेले बनाने के लिए हमें सिखाइए परमेश्वर। भेदभाव हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बड़ा छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए परमेश्वर, सबको एक समान। अच्छे चेले बनकर कलीसिया में योगदान पाने के लिए हमें सहायता दीजिए। इतने समय परमेश्वर के वचन से बहुत सारे चीज़ों को हमने बातचीत किया परमेश्वर, सब कुछ हमारे जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए, आशीषमंद तरीके से चलवाने के लिए सहायता दीजिए। आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद।